गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बहुत ही ईजी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर क्या होता है हमारा, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। बनाने के नियम देख लेते हैं। अफर्मेटिव में कैसे करके बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप दिया होता है। जैसे कि वह खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग द सॉन्ग। तो इन बातों को आप आराम से पता कर लेंगे। जैसे कि जिन मैं जा रहा हूँ, रही है, रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, वह जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आसमान में चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो ये सब क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि प्रेजेंट में काम चल रहा था। अभी यूज़ ऑफ इज एम आर, जैसे कि आपको पता है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही सी नेम ऑफ एनी पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। और विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, आई वी के साथ हम आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। विथ प्लूरल सब्जेक्ट, दे यू वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। अब आता हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में बहुत ईजी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे वह खाना नहीं पका रही है, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। नॉट लग जाता है हमारा। फिर आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। इसकी मुख्य पहचान होती है इंट्रोगेटिव साइन दिया होता है। क्या वह गाना खाना पका रही है, इज शी कुकिंग द फूड। और सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पे फूड के बाद इंट्रोगेटिव साइन आएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।